बाकी जितना इस्लाम एक औरत को आज़ादी और इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, वो मेरे ख्याल में किसी भी कल्चर, किसी में भी इस दीन में नहीं है। Seriously, what the fuck are you doing? हाँ, अगर वो मुस्लिम है और वो ये के वो इंडिया में के कि मैंने ये अवार्ड अगर अचीव किया तो मैंने पाकिस्तान के लिए किया, देन फिर हम खुश हैं। को पैसा बर्बाद पहन ये अगर इसने मेडल या जो भी चीफ किया है, ये एक बार हमारे मुल्क का नाम तो ले, अपने जुबान से बोले कि यार मैंने पाकिस्तान मुल्क का नाम क्यों ले, वो यार वो मुस्लिम है ना। आप मुझे कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लड़की है, इंडिया में उसने अवार्ड चीफ किया है और वो इंडिया में बॉक्सिंग में चैंपियन बनी है। वो हमारी तरफ से जितनी मर्जी बड़ी चैंपियन बन जाए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैंपियन है वो हमारी पाकिस्तान आर्मी है और हम है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में का नाम वो रोशन लेकर कहेगा जी मैंने पाकिस्तान के लिए विन किया। देन आई अप्रिशिएट हर। चूतिए हो तुम दोनों। चले मैं आपको डॉलर की मिसाल देता हूँ। हाँ जी, डॉलर की मिसाल दिया। मैंने मान लिया पाकिस्तान में डॉलर बहुत ऊपर है। डॉलर ऊपर हो, अप हो, डाउन हो, इसमें जो हमारे गरीब भाई हैं, जो गरीब जो रेड़ी बान है, जो मजदूरी करते हैं, उनको डॉलर से कोई कंसर्न है? यार पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम बदल के मुझे लगता है उसको जालिस्तान रख देना चाहिए। मगर क्यों? ऐसी बात नहीं कि पूरी दुनिया में जाहिल नहीं होते, हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, यूएस में, लंदन में, यूरोप में, पेरिस में, कनाडा में, हर तरफ मिलेंगे जाहिल लोग, लेकिन वहाँ मिलेंगे 100 में से कोई एक अद्दो। लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन हमारे जालिस्तान लोगों के बीच में अगर आप 100 में से अगर जाहिलों को ढूंढेंगे तो आपको 90 से 95 मिल जाएंगे। अरे बाबा उठा ले। तो मुद्दा चल रहा था जिकत नरीन का। जिकत नरीन ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और भारत का नाम रोशन किया। ये हम भारतीयों के लिए, सबके लिए प्राउड की और गर्व की बात है। और निकट जरीन को बिल्कुल सैल्यूट आपके भाई की तरफ से और आप सब की तरफ से। इसी मुद्दे को लेके पाकिस्तानी रिपोर्टर निकले पब्लिक के बीच में। सर मेरा बेसिक आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि एक लड़की है निकट जरीन जो कि मुस्लिम है, उसने इंडिया में रहकर एक गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, कितनी बड़ी अचीवमेंट है मुसलमानों के लिए और इंडिया के लिए। और इनको मिल गया एक जाहिल, और जाहिलिस्तान के जाहिल तो आपके भी फेवरेट है और मेरे भी फेवरेट। कल थोड़े मीम मेरे एक्स्ट्रा लगाए तो काफी लोगों ने नाराजगी जाहिर की, तो आज आप लोगों का दिन है, आज मैं मीम कम से कम यूज करूंगा। भजन मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर उसने इससे भी बड़ा कोई गोल अचीव किया ना, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्यों? इसकी वजह पता क्या है? जो मेरे मुल्क के लिए लड़ता है, जो मेरे मुल्क के लिए कोई चीज को अचीव करता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा हीरो है। जो हमारे बॉर्डर मुल्क के दूसरे कोई और मुल्क के लिए करे वो आपके लिए जीरो है। हाँ, अगर वो मुस्लिम है और वो ये कहे, वो इंडिया में कहे कि मैंने ये अवार्ड अगर अचीव किया तो मैंने पाकिस्तान के लिए किया, देन फिर हम खुश हैं। इसके लिए मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि मदरसों को बैन कर दिया जाए। मदरसे की जो पढ़ा हुआ बच्चा निकलता है वो ऐसा होता है। तो क्यों इतना छूतिया है? अवार्ड जीता है इंडियन मुस्लिम ने, लेकिन वो बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा ही गधा कल हमें मिला था। इंडिया को अब फख्र होगा पाकिस्तानियों पर, हम मुसलमानों पर। नहीं 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 मुझे बताओ पाकिस्तानियों पे फखर क्यों होगा? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। के मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, के मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आर यू कॉमेडी? देखें दिल बड़ा करें, मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि एक बंदे का दिल बड़ा होने की सबूत इस बात से है कि अगर वो कोई आपका दुश्मन तरक्की करे, कोई आपका दोस्त तरक्की करे, अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी तरक्की करे, आपका दिल के बड़े होने के सबूत इस बात से आता है कि आप उसकी तारीफ करो कि वाकई यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आई अप्रिशिएट यू,
आपने जो किया कि ये कोई 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 बंदा नहीं कर सकता जो कि आपने किया, इससे क्या होगा, इससे आपके दिल बड़ा होने की सबूत मिलेगा और लोग आपकी तारीफ करेंगे, क्या कहते हैं इस बारे में? यार मैं इसको जो है ना अप्रिशिएट इसलिए नहीं करूँगा, ये अगर अगर इसने मेडल या जो भी अचीव किया है, ये एक बार हमारे मुल्क का नाम तो ले, अपने जुबान से बोले यार मैंने पाकिस्तान मुल्क का नाम क्यों ले, वो यार वो मुस्लिम है ना यार, मुस्लिम है तो क्या हुआ वो, वो अगर वो मुस्लिम नहीं है, वो इंडियन है और वो इंडिया से ही उसने विन किया और वो कह रही है कि मैंने पाई ये पाकिस्तान के लिए, वो बहुत बड़ी खुशी। बंदा बोल रहा है कि हिंदुस्तान की बेटी ने अवार्ड जीता उसको पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम है। इनके दिमाग में जो मजहब का कीड़ा घुसा हुआ है ना, जब तक ये कीड़ा बाहर नहीं निकलेगा जब तक ये कुएं के मेंढक के समान कुएं में ही धसे रहेंगे। ये बात सुन लो पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो ना तो इस कुएं से निकलो बाहर और देखो दुनिया कहाँ चली गई, तुम अभी तक चपटी धरती पे ही पड़े हो। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं मुस्लिम बनते कहाँ से है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ओरिजिनल जो मुस्लिम है ना वो सोदिया से बना। अच्छा, सोदिया हमारा लिंक सारा सोदिया से है, अरब से हमारा लिंक है, कुछ नहीं है, यही सब करते रहो चूतियों की। आप कोई गोल्ड मेडल बाहर जाके इंडिया को, इंडिया से कोई गोल्ड मेडल जीत के आओगे तो आप कहोगे कि नारे सोदिया जिंदाबाद जिंदाबाद, हम पाकिस्तान ही कहेंगे ना। अब वो देखो भाई, एक बंदे की जब एक बंदा मुस्लिम, अब मुस्लिम आपको क्या लगता है कैनेडा में रहकर अगर कैनेडा में कोई चीज फतह करे तो वो कहेगा कि नारे तकबीर नारे पाकिस्तान नारे पाकिस्तान? सर जी, हर इवेंट को जीतने के लिए लोग पाकिस्तान से जाते हैं, हर कंट्री में जाते हैं, मगर वो ये नहीं कहते कि यार मैं इंडिया के लिए या मैं कनाडा के लिए या मैं अमेरिका के लिए इंग्लैंड के लिए, नहीं, यहाँ से भी हमारे बंदे जाते हैं, जब वो विन करते हैं तो वो ये कहते हैं यार मैं पाकिस्तान के लिए विन करके आया हूँ। अब जो पाकिस्तानी होगा वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी कहेगा, अब जो पाकिस्तानी है नहीं उसको हम कैसे जबरदस्ती मनवा ले? आप ही तो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है, आप कैसे कह सकते हैं वो मुस्लिम है? और खुदा के बंदे वो मुस्लिम है पर इंडियन मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम है, प्रूफ तो दे ना। अब वो मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह दूं कि मैं क्या कहते हैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन हो गया। आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरी जान है। आप प्यार करो पाकिस्तान से, किसने रोका है आपको? हाँ जी, थोड़ा सा हमें ना जज्बाती नहीं होना, हमने थोड़ा लॉजिकली होना, लॉजिक के थ्रू सोचना। लॉजिकली अब मैं कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को समझ रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लड़की है, इंडिया में उसने अवार्ड अचीव किया है और वो इंडिया में बॉक्सिंग में चैंपियन बनी है, वो हमारी तरफ से जितनी मर्जी बड़ी चैंपियन बन जाए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैंपियन है वो हमारी पाकिस्तान आर्मी है और हम है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में का नाम वो रोशन लेकर कहेगा जी मैंने पाकिस्तान के लिए विन किया है, देन आई अप्रिशिएट हर। वैसे मैं गालियां देता नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मुझे जितनी भी गालियां आती है ना सारी ठोक दूं इसको। अबे यार बात कहां से कहां ले गए आप यार, थोड़ा मेरे नजदीक आओ ना, फ्रेम से हट हो रहे हो। ये मजा, इसको मजा कहते हैं? इसको मजा नहीं कहते, इसको बेवकूफी कहते, इसीलिए हम दुनिया से इतने ज्यादा पीछे हैं। नहीं नहीं नहीं, कसम से बहुत ज्यादा पीछे हैं हम दुनिया से सबसे आगे इंशाल्लाह, हम है हमारा दुनिया से सबसे आगे इंशाल्लाह, हम दुनिया से सबसे आगे हैं भैया, सबसे आगे हैं पाकिस्तानी, सबसे आगे, आप ये मान लो, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, पाकिस्तान सबसे आगे। अबे साले अभी तो और जहालत सुनिए इसकी, को पता है कि पाकिस्तान के सेम डॉलर 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 डबल सेंचुरी क्यों मार रहा है? डॉलर से सिर्फ और डॉलर से हमें कंसर्न है। मैं आपको डॉलर की मिसाल देता हूँ। हाँ जी, डॉलर की मिसाल दे। मैंने मान लिया पाकिस्तान में डॉलर बहुत ऊपर है, डॉलर ऊपर हो अप डाउन हो, इसमें जो हमारे गरीब भाई है, जो गरीब जो रेड़ी बान है, जो मजदूरी करते हैं, उनको डॉलर से कोई कंसर्न है? यार सारा अप जाए भाई, किसी को कोई, ओ भाई अपनी जिंदगी लाइफ गुजारनी है। ओ भाई यार, ये वीडियो जब पब्लिश होगी ना बहुत लोगों ने मजाक उड़ाना, पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डॉलर के सर पे नहीं जीते। और भाई सारे सबका कंसर्न डॉलर के साथ है, अब डॉलर महंगा हो गया, आप देखो घी की कीमत कितनी जा रही है। ठीक है, आप शादीशुदा है, मैरिड है? हाँ जी। तो घर के राशन कौन लाता है? मैं ही लाता हूँ। तो आप लाते हैं तो घी की कीमत क्या? कीमतें बढ़ी हैं, हम नहीं कहते कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन डॉलर जब ऊपर जाएगा तो कीमतें बढ़ेंगी। डॉलर ऊपर गया ना, उसका गरीब से कोई कंसर्न नहीं, जिनके पास डॉलर अवेलेबल है उनको फर्क पड़ेगा, उनको फर्क पड़ेगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू जिन्होंने भी बंटवारा किया, जिन्ना फिन्ना, अच्छा हुआ जो हिंदुस्तान का कचरा समेट के तुम सारे वहां ले गए और आज हमारा मनोरंजन के काम आ रहे हैं। बातें सुनो भैया, इसकी बातें सुन लो आप, तो बस कोई मीम लगाने की जरूरत नहीं आज मुझे। क्या बात है, मर्डर कर दिया तुम्हें। अच्छा,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस पे करते हो, क्यों कौन सी करेंसी में करते हो? डॉलर पे होती है। डॉलर पे करते हो ना, जब आप कोई चीज बाहर से कोई भी चीज भेजते हो तो डॉलर। आप अपने चैनल में ये भी तो कहना कि डॉलर किन के पास है, हम जैसे कोई पास है डॉलर? आपके पास जो पैसे हैं वो डॉलर की शक्ल में ही है, आप बाहर के मुल्क जाओगे तो आपकी करेंसी है। यार मैं घूम चुका हूँ भाई, आपको नहीं समझा पा रहा मैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आप नहीं समझ सकते, आप ओरिजिनल पाकिस्तानी है। ये पत्रकार भी पूरी तरीके से परेशान हो गया, आखिर में इसने हाथ जोड़ दिया, भाई तुम जाओ तुम जाओ। ये अजीब किस्म का जाहिल और ढीठ प्राणी जो किसी की बात ना सुनना चाह रहा है ना समझना चाह रहा। अगर वो पत्रकार यहाँ पे जो रिपोर्टर है बहुत अच्छी बात कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि डॉलर आपकी और मेरी जेब में ही है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बंदा समझ नहीं रहा, कहता हमारे पास तो डॉलर ही नहीं है। तो इस प्रकार के विचित्र विचित्र जाहिल प्राणी अगर आपको देखने को मिलेंगे तो या तो पाकिस्तान में मिलेंगे या इंडियन मीडिया पे देखने के लिए मिलेंगे। मैं सीरियसली बोलता हूँ, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में एजुकेशन क्या चल रही है, वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का, क्या पढ़ाया जाता है वहाँ के लोगों को, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ पाकिस्तान के लोगों की जो एक बेसिक नॉलेज है ना, वो भी अभी दुनिया से कम 150-200 साल पीछे चल रही है। सही बात है। इन जैसे लोगों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बेहतर हुरे जिहाद के सपने पाल के रखते हैं, बेहतर हुरों के सपने पाल के रखते हैं, उन बेहतर हुरों के चक्कर में अपने आप को मार देते हैं, ऐसे लोग ऐसे जाहिल लोग ही शायद ये काम करने के लिए आगे आते हैं। क्योंकि मैं तो कभी किसी आतंकवादी से मिला नहीं, तो उनकी मानसिकता इनको देख के मुझे लगता है कि वो ये वाली होगी। और आप लोगों के क्या विचार है जाहिलों के बारे में, तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मजा हर हिंदुस्तानी को देने के लिए आपको इस वीडियो करना पड़ेगा शेयर। इसके लिए एक शेयर लाजमी से कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिंडर, फिंडर, स्नैपचैट, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो बिल्कुल इसको कर दीजिए। अपनी चाची को, नानी को, फूफा को, नाना को, मौसा को, बुआ को, गर्लफ्रेंड को, ओल्ड गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को, वाइफ को, एक्स वाइफ को, डिवोर्सी को, किसी को भी, बड़े को, छोटे को, नाना को, नानी को, जहाँ भी शेयर कर सकते हो एक शेयर कर दीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो मैं इंस्टाग्राम भी यूज करता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जाके देख लो, अच्छा लगे तो फॉलो कर लो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।